ऑनलाइन ठगी के मामले में हमीरपुर में पिछले 15 दिनों में तीसरी घटना सामने आई है, जिसमें लाखों रुपए भी ठगे गए हैं। ताजा मामले में हमीरपुर जिला के सुजानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति को पाकिस्तान के नंबर से मोबाइल पर फोन और वीडियो कॉल्स आने पर 7 लाख के करीब रुपए की ठगी हुई है। हालांकि पुलिस ने पाकिस्तान के नंबर को ट्रेस कर लिया है और इसकी लोकेशन बिहार में पाई जा रही है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा के अनुसार पुलिस ने बिहार के लिए टीम रवाना कर दी है और जल्द ही ऑनलाइन ठगी के आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा का कहना है कि ऑनलाइन ठगी का ट्रेंड बढ़ गया है और नए नए तरीके से ऑनलाइन ठगी में आरोपी लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सुजानपुर में एक व्यक्ति से पाकिस्तान से आ रहे फोन कॉल के बाद बड़ी शातिरता से 7 लाख रुपए ठगे गए हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। ये इनका लगातार ट्रेंड चेंज होता रहता है। लोग हमारी पूरी कोशिश रहती है पुलिस की हम लोगों को समझाएं। जितने भी हमारी मीटिंग्स होती है उसमें भी हम बताते हैं कि कोई भी ऐसी बात जिसमें कोई आपसे एडवांस में रुपए मांग रहा है, चाहे वो नौकरी के झांसे के नाम पे है, चाहे वो किसी स्कीम के नाम पे है, चाहे वो लॉटरी के नाम पे है, उसमें आप कभी भी यकीन ना करें। जिसने आपसे एडवांस में पैसे मांगे हैं वो ठगी का केस है। दूसरी बात, कभी भी अपना बैंक अकाउंट की जानकारी, ओटीपी, अपने किसी भी पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। और जो इस तरह के फोन नंबर जो +92 से फोन आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के नंबर होते हैं। साथ ही साथ +38 से या +33 से, ये सारे नंबर विदेश से ये फोन कॉल होते हैं, ये ठगी के लिए किए जाते हैं। तो सतर्क रहे जनता। सर, पाकिस्तान वाले नंबर भी ट्रेस कर रही है पुलिस में? दरअसल ये एक सुजानपुर में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें +92 और +38 से लगातार वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स आए, व्हाट्सएप मैसेजिंग हुई, और इसमें करीबन 7 लाख रुपए का नुकसान इसमें भी हुआ है। जो अकाउंट है उनको पुलिस ने ट्रेस कर लिया, उनकी लोकेशन बिहार की आ रही है, उसके लिए टीम भेजी गई है। और हमारी कोशिश रहेगी कि उन अकाउंट से जो पैसा जहां गया है, उस ट्रांसफर जो पैसा हुआ है, उस ट्रेल को हम पकड़ें और अपराधियों तक पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में हमीरपुर जिला में ऑनलाइन ठगी का तीसरा मामला सामने आया है और ऑनलाइन ठगी के दौरान गत 4 दिन पहले ही नदौन की एक महिला से 7.5 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो अब नए मामले में सुजानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति से भी 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। ऑनलाइन ठगी में नए मामले में +92 एसटीडी कोड, जो कि पाकिस्तान का है, वहां से फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए ठगी की गई है, तो जान से मारने की धमकियां भी दी गई, जिस पर हमीरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बिहार के लिए रवाना कर दी है।